डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को भी प्रॉपरली मैनेज कर रहे होंगे। गाइज, आज का जो वीडियो है इट इज अ स्मार्ट आउटलाइन वीडियो, जहां पर मैं आपको कुछ टफ वर्ड्स की स्मार्ट आउटलाइन बताऊंगी। होप ये आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज में हेल्पफुल रहेंगी। वीडियोज को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप हर आउटलाइन का कंसेप्ट समझ पाएं, वो कैसे बन रही है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे हो रही है, वो आप डिफाइन कर पाएं। बेसिकली आउटलाइन ये जो मैं बताती हूँ, इट्स इनिशियल सोर्स ऑफ मेन आउटलाइन। आप देखेंगे कि इन आउटलाइन से आप आगे और भी अच्छी आउटलाइंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको एक बेसिक नॉलेज देना है, प्लस आपको एक एडवांस फॉर्मेट से रूबरू कराना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्मार्ट आउटलाइंस। इसमें सबसे पहला वर्ड है आज के लिए मास्को। तो मास्को के लिए चूंकि एक जगह का नाम है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मा की व्यंजन रेखा सा और क, और बीच नीचे इसके दो लाइंस इंडिकेट करेंगे मास्को के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा वर्ड है रक्षा मंत्री। तो रक्षा के लिए रा और छा आ गया, मंत्री के लिए मा और रा। अब मंत्री को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, मंत्री, बट ये ज्यादा सही रहता है, ठीक है। इसके बाद हमारे रक्षा मंत्री जो है उनका नाम आ रहा है, जो है राजनाथ सिंह। के लिए सा और हा को एक साथ बनाएंगे, और चूंकि ये भी एक नाम है और जो कि एक फेमस नाम है, तो हम यहां पर क्या करेंगे बताइए, तो बिल्कुल दो मार्क इंडिकेट कर देंगे। इसके बाद आपका वर्ड आता है वेई फेंग। वेई फेंग चीन के रक्षा मंत्री हैं, तो इनके नाम से हमने लिखा वेंग, ठीक है। आफ्टर दैट फ्रे उंग, ठीक है। तो ये वर्ड आपका यहां से बेंग फ्रेंग बना और थर्ड प्लेस से डिफाइन होगा इस तरह से, और नीचे दो मार्क लगा देंगे। इसके बाद शब्द है हमारा मुलाकात। देखिए मार्क की व्यंजन रेखा ला की व्यंजन रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ता का हुक लगा ये इसमें, और शब्द बन गया मुलाकात। इसके बाद शब्द आता है हमारा ऐसा लगा था। तो देखिए ऐसा आशा का शब्द चिन्ह है लाइन से ऊपर, लगा लगी लगे के लिए ला की व्यंजन रेखा और था, एक इस तरह से लिख सकते हैं, बाकी ऐसा लगा था ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट ये ज्यादा सही है, हाथ को उठाना नहीं पड़ा, एक बार में ही व्यंजन रेखा को ड्रॉ कर लिया। इसके बाद शब्द आता है बीजिंग। तो बीजिंग इंग, तो यहां पर हमने क्या बनाया, दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो हमने ब को शॉर्ट कर दिया इंग, और दूसरा हम अगर शॉर्ट नहीं करते हैं तो हम इसको पूरा पूरा लिख सकते हैं। तो ये दो फॉर्मेट हैं आपके लिए, आप दोनों तरह से बीजिंग शब्द को डिफाइन कर सकते हैं। शायद साका हुक या की व्यंजन रेखा को छोटा और मोटा कर देंगे, तो इसमें दा भी जुड़ जाएगा, तो ये शब्द बन गया शायद। इसके बाद शब्द आता है हकीकत। तो हा का और त, का को छोटा किया का के लिए और त की व्यंजन रेखा को यहाँ पर हमने ड्रॉ किया। इसके बाद है शब्द तस्लीम। तो देखिए त स का व्रत ला और म, तस्लीम करना चाहता है। कभी कभी तस्लीम करना चाहते हैं अगर एक साथ आ रहा है तो आप कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए। देखिए आउटलाइन को कंबाइंड कैसे करेंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। छोटे छोटे शब्द होते हैं जिनको कि आप कंबाइंड करके बगैर हाथ उठाए चार से पांच शब्दों को एक साथ लिख सकते हैं, जो कि आपकी शॉर्ट हैंड को ईजी भी करता है और एक फ्लुएंसी प्रोवाइड करता है। तो देखिए कैसे लिखा हमने, तस्लीम करना चाहता है, तो ये पूरा इंक्लूड होके बन गया। अब आपको इसमें बेनिफिट ये होगा कि आप आगे पीछे के शब्दों को देखकर इसको इजीली पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि यहां पर इसका पर्पज क्या था, और आपको वो डिफाइन करने में भी इजी हो जाएगा। तो ट्राई कीजिए इस मेथड को और देखिए कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है। नेक्स्ट देखिए उच्च स्तरीय। तो उच्च यहां पर आपका च दो बार आ रहा है, तो एक लाइन के ऊपर एक लाइन के नीचे। स्तरीय के लिए इस्त का चाप बनाते हुए डाउनवर्ड आर रा बनाएंगे और या की व्यंजन रेखा को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो उच्च स्तरीय बनाया। इसके बाद शब्द आता है हमारा स्थितियां। तो स्थित शब्द हुआ,
जो कि ता पे लग रहा है, तो स्थिति या ऐसे बनाइए या स्थिति या, इस तरह से भी कर सकते हैं। या का फॉर्मेट है क्योंकि इस तरह से हमने एक दो शब्द बनाए हैं, जैसे उद्देश्य बनाया है या और भी शब्द बनाए हैं, तो हमें लिटिल बिट कंफ्यूजन हो सकता है। तो हम यहाँ पर या का जो फॉर्मेट है ना, कि या को हम आउटलाइन में कैसे ऐड कर रहे हैं, वहां पर चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये चेंज करोगे तो नो डाउट आप जल्दी पढ़ लोगे, क्योंकि शब्द को हमें ये देखना है कि हम शब्द को जल्दी पढ़ें कैसे। अगर आप लिखा हुआ शब्द लिख तो बहुत अच्छे से लिया है, बट वो लिखा हुआ अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो किसी काम का नहीं है। तो बेटर थिंग इज दैट हाउ टू रीड, नॉट ओनली राइट बट ऑल्सो रीड। ठीक है, इसके बाद देखिए शब्द है बेहतरी। तो बाकी व्यंजन लिखा और तर दर में ताकर में राखी व्यंजन सॉरी हुक लगाते हुए इसको डबल कर दिया, बेहतरी। इसके बाद शब्द आता है हमारा हालांकि। तो हा की व्यंजन रेखा ला को थोड़ा छोटा कर दिया और ये ई के लिए इसको आगे बढ़ा दिया। इसके बाद है त्वरित। तो देखिए त व रित, ई की मात्रा यहां पर डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड है समाधान, धा के लिए डैश डिफाइन कर देंगे। इसके बाद शब्द आता है हमारा बैठक। तो कैसे बनाएंगे, ब ठ और का, ये बा का शॉर्ट फॉर्म है। पूर्वी लद्दाख, तो पूर्वी के लिए ये बन गया लद्दाख में ल ख, द साइलेंट हो जाता है लद्दाख। इसके बाद शब्द आता है कार्रवाई। होप आपने कंफ्यूजिंग वर्ड का वीडियो देखा होगा, जहां पर हमने कार्रवाई कार्यवाही इस तरह के शब्दों का डिफ्रेंशिएशन आपको डिफाइन किया है। एक अच्छा कलेक्शन आपके लिए प्रोवाइड किया है। अगर आपको क्वालिटी वीडियोस चाहिए शॉर्ट हैंड में, बहुत तरह के वीडियोस अवेलेबल हैं, बट एक न्यू टेक्सचर एक क्वालिटी चाहिए, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके उसको जरूर देखिए। आपके लिए कुछ नया हमेशा करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए कार्यवाही, अगर नहीं देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको जरूर लिंक करूंगी वो वीडियो, ताकि वो आपको हेल्प करे। इसके बाद शब्द है दिलचस्प। तो देखिए दामे ला का हुक, ठीक है, साका व्रत और पाकी व्यंजन रेखा, चा जो है वो साइलेंट हो गया। इसके बाद इसमें शब्द आता है उलझाए। तो थर्ड प्लेस से बनाएंगे हम उलझाए, इस तरह से आप यहाँ पे साउंड भी दे सकते हैं सेकंड प्लेस की उलझाए के लिए। ठीक है, तो ये शब्द आपके बने। अभी देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे किस तरह से बन रहे हैं। इस सारे वो वर्ड्स होते हैं जो एडिटोरियल डिक्टेशंस में आते हैं। आपको सारी आउटलाइन प्रोवाइड करती हूँ, फिर आपको डिक्टेशन एक्सप्लेन करती हूँ, एंड आफ्टर दैट आपको डिक्टेशन देती भी हूँ। मोटिव यही है कि आप किसी भी एंगल से पीछे ना रहें, आपको हर चीज हर कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए प्रैक्टिस तो आपको करनी है, वी विल ओनली शो यू द वे कि आपको चलना कैसे है। हम ये बता सकते हैं कि चलना कैसे है, चल के जाना तो आपको ही पड़ेगा। तो उस रास्ते तक पहुंचाने के लिए जो हेल्प चाहिए वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, बट उस हेल्प के साथ उस मंजिल को तो आपको ही पाना है ना। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से मैनेज करें और उसको, उस मंजिल को, उस अपने गोल को रिसीव कर पाए, गेन कर पाए। ठीक है, इसके बाद देखिए वर्ड आता है प्रोपोगंडा। तो देखिए प्रा पामे राका ए की मात्रा आ रही है, तो यहां पर बगैर स्पेस दिया हुआ और द प्रोपोगंडा, इस तरह से बनाएंगे हम। बर्निंग शॉट्स, तो देखिए व र निंग और शॉट्स के लिए साका ब्रेड टा को छोटा कर दिया और यहीं पे स लगा दिया, शॉर्ट्स। तो बर्निंग शॉर्ट्स, हम इसको पूरा भी बना सकते थे, बट जब हम कोई चीज थोड़ा अलग से बनाते हैं और खासकर तब जब वर्ड अनसीन होते हैं, तो वहां पर ये चीजें ना एकदम से क्विक रिस्पॉन्स करती हैं। और हमेशा कोशिश किया कीजिए कि दिमाग में एक कहते नहीं क्रॉस वर्ड का क्विक फॉर्मेट बनाए, एकदम कीवर्ड जैसा। तो जैसे ही आप उसको लिखते हैं आपके माइंड में वो क्लिक कर जाए कि आपने क्या लिखा। मैं तो यही ट्रिक अप्लाई करती थी, आप मुझे बताइए आप कौन सी ट्रिक अप्लाई करते हैं अपनी शॉर्ट हैंड को प्रॉपर लिखने के लिए। ठीक है, इसके बाद वर्ड आता है पैतरेबाजी। तो देखिए प त रा की व्यंजन रेखा। अब बेसिकली बाजी जो शब्द है, बा का जो शॉर्ट फॉर्म है वो बीच में नहीं आता, बट यहां पर हम एक एडवांस आउटलाइन बना रहे हैं तो हमने इसको बीच में दे दिया। बाजी के लिए आप ई की मात्रा भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं पैतरेबाजी, हाथ को जल्दी चलाने के लिए।
क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपको डिक्टेशन देगा उस समय पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप स्टे करें, सोचे समझे। हाँ, जल्दी चलाना होगा, शब्दों को समझना होगा, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिन्हें हमें मैनेज करना होता है। तो उन सभी के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। तो देखते रहिए और प्रिपेयर भी होते रहिए। इसके बाद है समझ चुकी है। तो समझ के लिए पूरा हमने बनाया साग का व्रत, माँ की व्यंजन रेखा, झा, चुका, चुकी, चुके के लिए क्रॉस फॉर्मेट अपनाया। विश्वसनीयता, तो व श व न और ता, विश्वसनीयता इस तरह से लिखा। कम से कम हमारा ये ऑलरेडी वाक्यांश है जिसे हम एडवांस आउटलाइन बोलते हैं वो। इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो लिखा थोड़ा बड़ा शब्द है, तो देखिए संयुक्त, यहीं से राष्ट्र सुरक्षा परिषद। समझ के करेंगे, कोई शब्द ऐसा नहीं है जो आपको क्लियर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। हर शब्द यूज इजी टू नो है, तो इस तरह से आप इसको करेंगे तो इजी भी रहेगा और समझ में भी आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा घटना क्रमों। तो कैसे बनाएंगे, घा को ट के लिए छोटा किया, घटना क्रमो, या फिर आप इसको घटना क्रमो ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा अंतर नहीं पढ़ना है, बट ये ज्यादा सही रहेगा क्योंकि यहां पर हमने व्यंजन रेखा को छोटा कर रखा है। छोटा करने से इजी हो गई, समझने में आसानी हो गई। इसके बाद वर्ड आता है स्पष्ट कर दिया है। साकाव्रत इष्ट का चा और का की व्यंजन रेखा यहीं से हो गया, तो रा इंक्लूडेड समझा जाता है, दिया है। जैसे पुष्कर वगैरह में हम लिखते हैं ना, उसी फॉर्मेट में इसे भी डिफाइन करेंगे। इसके बाद है फॉरवर्ड पोजीशन। तो देखिए फॉरवर्ड, ठीक है, और पोजीशन के लिए यहां पर प को शॉर्ट किया, ज और शन, पोजीशन, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो इजी करने के लिए, फॉरवर्ड, ठीक है, पोजीशन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। भारतीय सेना, देखिए भारतीय सेना, और इसके बाद आता है प्रतिबद्ध। तो प्रति का बनाया और वद्ध के लिए वा की व्यंजन रेखा से इसको काट दिया। अगर कटता है आपको इजी लगता है तो सही है, नहीं तो आप नियर अबाउट भी लिख सकते हैं प्रतिबद्ध इस तरह से। इसके बाद शब्द आता है हमारा संप्रभुता। तो सम का ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्मेट है, एक छोटा सा हम उपसर्ग प्रत्यय बताए हैं, वहां पर बताया है आपको। प्रभुता, अखंडता, ख, ठीक है, न और त, अखंडता। पीपुल्स रिवोल्यूशन आर्मी, तो हमने लिखा पीपुल्स लिबरेशन, और आर्मी के लिए माँ की व्यंजन रेखा। इसके बाद है गलवान घाटी। तो गलवान, ठीक है, घाटी, इसको छोटा नहीं करेंगे क्योंकि कम यूज होने वाला वर्ड है। इसके बाद आता है आपका उद्वत। तो थर्ड प्लेस से बनाएंगे द्वत। तनाव पूर्ण, तो देखिए तनाव पूर्ण, ठीक है, या फिर आप वा को साइलेंट भी कर सकते हो। अब वा का शॉर्ट फॉर्म तनाव पूर्ण, इस तरह से भी लिख सकते हो, ये वा का शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। स्थिति, इसके बाद शब्द आता है कदमों के लिए। तो देखिए कदम और के लिए ला की व्यंजन रेखा को ड्रॉ कर देंगे, जो इसमें के को साइलेंट करते हुए अटैच हो जाती है। इसके बाद शब्द आता है जन दबाव। तो कैसे लिखेंगे जन, तो जन का लिखा दबाव, द और व, बढ़ता जा रहा है, जा रहा है, बड़ा बनाएंगे थोड़ा। इसके बाद शब्द आता है भया दोहन। तो कैसे बनाया हमने भया दोहन, और स्पेस का लास्ट वर्ड है पारंपरिक। तो पारम, ठीक है, परिक,
या ऐसे लिखिए या फिर आप बड़ा करके लिख दीजिए, बस पारंपरिक दोनों फॉर्मेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए वर्ड्स, वर्ड है आपका कूटनीति। तो कूट के लिए का दो तरह से है, का को छोटा करते नीति लिख दिया, ठीक है। दूसरा अगर ये नहीं समझ में आता है तो कूटनीति इस तरह से लिख सकते हैं दोनों फॉर्मेट में। हल नहीं, हल्का सा बाहर निकालेंगे, करना चाहता है, है नहीं है, मैं अभी लिख दे रही हूं, अगर है नहीं आता तो खाली हल नहीं करना चाहता, बस इतना ही लिखते हैं हम, ठीक है। इसके बाद शब्द है कुचेष्टाएं, तो कैसे लिखेंगे हम कुचेष्टाएं, थर्ड प्लेस से डिफाइन करेंगे कुचेष्टाएं। मनसा, लाइन पर लिखेंगे क्योंकि सेकेंड प्लेस की साउंड आ रही है, बता रही है, तो देखिए बता रही है, बड़ा कर देंगे। सीमा निर्धारण, सीमा में मोस्टली लाइन के बिलो बनाती हूँ, तो सीमा निर्धारण, सीमा निर्धारण। इसके बाद शब्द है हमारा समर्थ, तो स, ठीक है, सॉरी, समर्थ हो चुका है, इस तरह से हा को ऐड करते हुए बना देंगे। सरहदों, तो सर इसी को बड़ा करके दो, सरहदों। लास्ट वर्ड है मनमानी। सरहदों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सरहदों साउंड दे देंगे। मनमानी में मनमानी का शब्द चिन्ह है, मन मान माना, मानो मानी माने, तो उन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे बनाया है। तो ये वर्ड आपके लिए जो मैंने ड्रॉ किए हैं, होप ये थोड़े अलग होंगे, आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज में हेल्पफुल रहा हो। आप इसके पीडीएफ प्रूफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इन सारे वर्ड्स का पीडीएफ प्रूफ मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। होप ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज के लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, उसमें कंजूसी मत कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।